जी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल डियर पेरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज हम इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड्स का जो जनरल नॉलेज है उसके एमसीक्यूज करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ थोड़े बहुत पाकिस्तान अफेयर के एमसीक्यूज भी हम लोग देखेंगे, नेशनल अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के जो वर्ल्ड जी के एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को 4 लेक्चर इसी टॉपिक पर दे दिए हैं, अगर आप लोगों ने वर्ल्ड जी के और पाकिस्तान अफेयर वगैरह के वो लेक्चर्स नहीं लिए तो आप ज़रूर पहले लें फिर 5वें लेक्चर को देखें, क्योंकि सारे एक चीज़ें ना एक कंटिन्यूटी में होती हैं। तो ज़रूर इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पे ज़रूर वो लेक्चर्स देखें और फिर यहाँ पे आएँ। और फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों के चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। यही कोर्स अगर आप किसी अकेडमी से पढ़ें तो आपको एटलीस्ट यू नीड टू गिव 25,000, तो आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट कराया जा रहा है। इसको फ़ायदा उठाएँ, इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। ठीक है बच्चों, सो आई एम स्टार्टिंग वर्ल्ड्स जी के पाकिस्तान एमसीक्यूज ऑफ लेक्चर नंबर 5 ऑन सीएस एस्ट्रोलॉजी। हु बिकम्स द एशिया फर्स्ट वुमेन लोको पायलट? तो ऑप्शन नंबर सी सुरखिया यादव, और इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़नी है तो सारी देखते हैं। मार्च 13 मार्च पे भी एक एमसीक्यू है कि 13 मार्च को बनी थी। ठीक है आगे जी, रिसेंटली जबरील फॉन्ट सॉल्ड हुआ था, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ किसके थे? यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ थे चिली। ठीक है, चिली के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। इसके बाद जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि गोल्डन मोरियो ये डाइज एट द एज ऑफ डैश हुए, कहाँ पे हुए? हवाई में। को फाउंडर एंड क्रिएटर थे मोरोज लॉ के। मोरोज लॉ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मज़े का लॉ है, आप लोग सब ने पढ़ा होगा। 94 की एज में ये वो जो है डेथ इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अच्छा ये पाकिस्तान का कौन सा प्रोविंस है जो कि इस्टेब्लिश करेगा सिस्टर रिलेशन विद द यूएस स्टेट जॉर्जिया? तो करेक्ट ऑप्शन इज सिंध। ठीक है, सिंध जी करेगा। उसके बाद जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 1650 मेगावाट का कोल फायर्ड प्लांट का इनाग्रेट किया, कहाँ पे किया जी? थर पार्कर में। कोयल के ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो है थर पार्कर में लगे हुए हैं सिंध की साइड पे, तो वहाँ पे। अच्छा जी सितारे इम्तियाज़ किसको मिला? बाबर आजम को मिला। ठीक है याद रखना, बाबर आजम को सितारे इम्तियाज़ दिया गया 23 मार्च को। यंगेस्ट क्रिकेटर ये थे जिन्होंने ये अवार्ड अचीव किया। आगे आगे जी, अकॉर्डिंग टू द यूनेक्सो द डैश ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डजंट हैव अ ड्रिंकिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। 26% जो है ये 26% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास पानी का पीने का पानी नहीं है। तो ये आप ऐसा अपनी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बेस्ट, क्योंकि पानी का पीना, पानी साफ पानी ना एक राइट टू लाइफ है। ठीक है, और राइट टू लाइफ अगर नहीं होगी, अगर साफ पानी नहीं होगा तो राइट टू लाइफ नहीं होगी। तो आप ये एज अ आर्ग्यूमेंट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद जी विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट द CO2 एंड ब्यूरेट इन अंडर सी? जी कौन सा कंट्री है? जापान, डेनमार्क, जर्मनी, द USA? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। डेनमार्क जो पहला कंट्री है जिसने इम्पोर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और उसको फिर अंडर सी उसको दफना देगा। बांग्लादेश की सब मरीन बेस का क्या नाम है जो कि अभी रिसेंटली बनी है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर BNS शेख हसीना, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा इसके बाद ओ बेवद में इसके बाद जी वो कौन सा नेम ऑफ द वो उस साइक्लोन का नेम बताएं जिसने मोजम्बिक को जो हिट किया था? ऑप्शन इज फ्रेडी। ठीक, ट्रॉपिकल साइलोन फर्डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, मोबाइल फ़ोन एमरजेंसी अलर्ट इनिशिएटिव एक कंट्री ने लिया, किसने लिया? UK ने लिया, USA ने लिया, चाइना ने लिया, जापान ने लिया या कोरिया ने लिया? तो ऑप्शन इज दी UK, ओ सॉरी UK जस्ट। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने जो है मोबाइल फ़ोन एमरजेंसी अलर्ट को लॉन्च कर किया है। ओके एनीवे, नेक्स्ट इज रिसेंटली हाउ मैनी गैलन ऑफ रेडियो एक्टिव वाटर लीक्ड फ्राम द USA न्यूक्लियर प्लांट? कितना लीक हुआ जी? 46 40 4 लाख
जो है गैलन जो है लीग हुआ है। ओके विच टीम जो आप सबको पता होगा लाहौर कलंदर जो है PSL 2023 जीती थी। डैश टू बी द फर्स्ट नेटो मेंबर टू गिव द MiG-29 फाइटर जेट टू यूक्रेन। पहला कौन सा जी? पोलैंड ने सबसे पहला कंट्री है नेटो का पहला कंट्री जिसने फाइटर जेट दिए हैं यूक्रेन को। ठीक है। साउथ कोरिया टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चिप सेंटर जी दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर बना रहा है। और इसके ऊपर इसकी कितनी कॉस्ट आ रही है इस प्रोजेक्ट पर? 145 बिलियन है, 230 बिलियन है, 270 बिलियन है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 230 बिलियन डॉलर इसकी कॉस्ट आ रही है। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारे पास जी विच नेशन हैज़ द फर्स्ट डेंगी DNA वैक्सीन। सबसे पहले जी इंडिया ने जो है ये वैक्सीन बनाई है, तैयार की है DNA की। ठीक है जी। सो द विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज़ द वर्स्ट ऑफेंडर ऑफ द इंटरनेट एक्सेस फॉर इम्पोजिंग द मेजोरिटी ऑफ द इंटरनेट शट डाउन इन 2022। तो ये भी इंडिया है। इंडिया इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। ओके सो हियर वी गो नेक्स्ट। USA हैज़ अप्रूव द सेल ऑफ डैश मिलियन इन द मिशंस ऑफ फॉर F-16 फाइटर जेट टू ताइवान। ताइवान को देगा और उससे शिप लेगा तो 619 मिलियन डॉलर का ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ठीक है बच्चों। उसके बाद विच नेशन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ईरान ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट। किसने जी किया? तो ऑब्वियसली दी USA, क्योंकि USA और ईरान की जो है आपस में टसल है। सऊदी ईरान की टसल काफ़ी हद तक हल हो गई है, उसको निगोशिएट किया था पाकिस्तान ने। अच्छा जी। हु वॉन द रुस्तम ए पंजाब दंगल? एक पंजाब के सूबे में दंगल होता है जी, वो किसने जीता था? 10 मार्च 2023 को जीता था। और जीता किसने था जी? करेक्ट ऑप्शन इज अदनान पहलवान ने। ठीक है। अदनान तरीन वाला पहलवान ने जीता था। ईरान हैज़ फाइनलाइज्ड अ डील टू बाय अ फाइटर SU-35। SU-35 एक प्लेन है, फाइटर जेट है। तो किससे जी? ईरान ने ये लेने की डील की है। ओके सो ऑप्शन सो द आंसर ऑफ दिस MCQs इज ऑप्शन नंबर सी रशिया, क्योंकि रशिया और ईरान जो है इसके आपस में। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। I hope you like the video, and if you like the video, so I can request you please do subscribe this YouTube channel and do share this video, this link with all of your friends who are preparing for the competitive exam CSS 2025. Aur milte hain aap logo se inshallah tar in the next video, lecture number 6. Aur niche description mein aap logo ke liye WhatsApp group link hai, agar aap logo ne आगे फ्यूचर में मॉक एग्ज़ाम देने हैं मेरे साथ, तो आप लोग मॉक एग्ज़ाम देने के लिए यू नीड टू ज्वाइन द ग्रुप विच इज़ इन डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू ज्वाइन दिस इन दिस ग्रुप एंड डू ज्वाइन दिस यूट्यूब चैनल बाय सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग पाकिस्तान से।